हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मात्राएं। अगर आपको हिंदी पढ़ना सीखना है तो आपको शुरुआत यहीं से करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, ओके। देखिए, ये हमारे स्वर हैं और इनकी सभी की मात्राएं होती हैं, और इनमें से ज़्यादा स्वर ऐसे होते हैं जिनकी मात्राएँ उनके अंदर ही दिखाई देती है, ठीक है। बस हमें क्या जरूरत है, ध्यान से देखने की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये है सबसे छोटा, ठीक है, ये है सबसे छोटा, तो मैंने आपको क्लास में भी बताया है, ये सबसे छोटा है, इसलिए हम लोग इसकी मात्रा को नहीं पढ़ते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि या इसकी मात्रा सभी में रहती है, ठीक है। इसके बिना हर व्यंजन जो होता है वो अधूरा होता है, इसलिए आप अभी के लिए इतना सा याद रखिए कि इसकी मात्रा अभी हमें नहीं पढ़नी, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इनकी मात्राएं इन्हीं में छुपी हुई होती है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आ की मात्रा, किसकी मात्रा, आ की मात्रा, यानी कि बड़े आ की मात्रा, और बड़े आ की मात्रा क्या होती है, जी, ठीक है। अब बात आती है इनकी और इनकी, छोटी ई और बड़ी ई, तो हम लोग इसको एक स्टोरी से समझते हैं कि छोटी ई की बड़ी ई से क्या हो गई, लड़ाई हो गई, छोटी ई की बड़ी ई से लड़ाई हो गई, और छोटी ई ने बोला बड़ी ई से कि हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से अपोजिट मात्राएं रखेंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, छोटी ई की बड़ी ई से लड़ाई हुई, और इन लड़ाई के चक्कर में उन्होंने क्या किया, एक ने ऐसी मात्रा रखी तो दूसरी ने ऐसी मात्रा रखी, ठीक है। छोटी ई की बड़ी ई से लड़ाई हो गई, तो एक ने ऐसी मात्रा रखी और एक ने ऐसी मात्रा रखी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब ऊ और ऊ, देखिए इसकी मात्रा भी इसी में छुपी हुई, देखिए दिखाई देगी, ठीक है। तो बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी ऐसी, छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी ऐसी, ठीक है। बड़े ओ की मात्रा यहाँ पर छुपी हुई दिखाई दी हमने, तो ये बड़े ओ की मात्रा, तो छोटे ओ की मात्रा क्या हो जाएगी, ठीक है। ऋषि की मात्रा भी उसी में दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ऋषि की मात्रा भी क्या हो जाएगी, ठीक है। र, अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिए इसकी मात्रा हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे याद करते हैं कि इसके पास एक डंडा, तो इसके पास दो डंडा, क्या बोला मैंने, एक के पास एक डंडा और एनक के पास दो डंडे, ठीक है। एडी के पास एक डंडा और एनक एनक के पास दो डंडे, ठीक है। अब बात करते हैं ओखली की, तो ओखली की मात्रा भी देखो ये यहां पर इसी में छुपी हुई है, ठीक है। ओखली की मात्रा भी क्या हुई है, इसी में छुपी हुई है, ठीक है। ओखली की मात्रा क्या हुई फिर, ठीक है, उसी तरह औरत की मात्रा भी उसी में छुपी हुई है, ठीक है। औरत की मात्रा भी क्या है, इसी में छुपी हुई है, ठीक है। और अंगूर और आह की मात्रा भी आपको दिखाई दे रही है, ये अंगूर की मात्रा हो गई और ये आह की मात्रा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसके साउंड सीखेंगे, इसकी ध्वनि कैसी निकलती है, जहां पर ये मात्रा लगी होती है, जहां पर ये मात्रा लगी होती है, उनकी ध्वनियां हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जहां पर आपको ये मात्रा दिखाई दे वहां पर साउंड निकलता है आ, कैसा साउंड निकलता है आ, ठीक है। इसमें निकलता है ई, कैसा निकलता है ई, और इसमें ई ही निकलता है लेकिन थोड़ा तेज बोला जाता है E, कैसा बोला जाता है ई, ठीक है। इसमें ऊ और इसमें तेज बोला जाएगा ऊ, और इसमें निकलेगा साउंड र का र र, ठीक है। अब इसी तरह इसमें ए और इसमें ए, ठीक है। इसमें ओ औ अम आहा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम लोग, ध्वनिया को रिपीट करेंगे आ ई
र देन ए ए ओ औ अम आ। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हिंदी पढ़ने में ये कहां काम आती है मात्रा है। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है का, ठीक है, क्या लिखा है क्या लिखा है का। अब इसमें मैंने मात्रा चढ़ाई ये कौन सी, ये, तो ये क्या हो गया क से का, क्या हो गया का। ठीक है, और वापस मैंने लिखा का, ठीक है, इसमें फिर मात्रा चढ़ाई आ की, और इन दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे का। ठीक है, अगर इसी में मैं छोटी की मात्रा चढ़ा देता हूं तो ये हो जाएगा की। ओके, और अगर बड़ी ई की चढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा की। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कुछ और वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि ये है रा, रा में आ की मात्रा लगाई रा। ठीक है, और ये रा म। ठीक है, उसके बाद का में लगाई आ की मात्रा, क्या हो गया का और म। ठीक है, ये अपना सा। ठीक है, सा में अगर ये मात्रा लगाई तो क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, और फिर लिखा था ता में आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा सी ता। ओके, अगला वर्ड देखते हैं, ये हो गया हमारा स, क्या लिखा है स, और अगर हमने इसमें मात्रा लगाई सु, ऊ की मात्रा लगाई तो सा क्या हो जाएगा सु। अब ये लिखा है प, पा में अगर हम मात्रा लगाएंगे आ की तो ये हो जाएगा सु पा, सु पा। अब मैंने लिख दिया यहां पर रा, ये क्या हो गया। ठीक है, अब रा में मैंने मात्रा लगाई ई, तो क्या हो गया सा में ऊ की सु, पा में आ पा, रा में ई की री, सु पा री, सु पा री। ओके, अब देखो ये क्या हो गया ना, ना में आ की मात्रा ना, क्या हो गया ना, और फिर म, ना म, ना म। ठीक है, इस तरह से आपको मात्राओं की प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे 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 हिंदी की मात्राएं और हिंदी के जो शब्द हैं, हिंदी की मात्राएं सीखकर हिंदी के शब्द पढ़ना सीख जाएंगे। ओके।